कहानी 100 साल पुरानी। ये है BTS का गांव लाचीपुलाला, जहाँ पे क्यूट ब्यूटीफुल और लवली लवली आर्मी रहती है। लेकिन पिछली रात किसी उल्लू के पट्टे ने आर्मी के लालटेन तोड़ के इस गांव की बत्ती गुल कर दी। तो आखिरकार कौन है वो बेवकूफ अपराधी इन 6 लोगों में से? क्या वो शरारती बेबी मोची है, या फिर नंदू नाई उफ हॉबी, या फिर गांव का सबसे स्मार्ट वेटर फोटोग्राफर युंगी, सेठ धन्नालाल सिर्फ शक्ल से, या फिर जेके द डॉन गेम की दुनिया का बादशाह? और हमारे जासूस बने हैं वर्ल्ड वाइड हैंडसम जीनियस जिन। छोटी छोटी उंगली किसे दिखाता है, काट के रख दूंगा। पैसे की गर्मी दिखाएगा मुझे, जेल में डलवा दूंगा। इस अलमारी में लाश है क्या? खुद जाके देख ले, लाश है या चुड़ैल। ये बदमाश बच्चा किसका है? पक्का घर से भाग के आया होगा। मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, थप्पड़ मार मार के गाल लाल कर दूंगा। तूने मर्डर किया? किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, अपराधी कोई भी हो सकता है, मैं नहीं हूँ। ओह माय गॉड। वेलकम BTS सावधान पेट्रोल में। आरएम तू तो डोरेमोन लग रहा है। पिछली होली पे पता नहीं किस चिमकांडी ने पक्का रंग लगा दिया था, छूटा ही नहीं। नहा तो लेता, 4 फिनाइल की बोतल, वॉशिंग मशीन सब यूज कर लिया, कुछ नहीं हुआ। पानी यूज कर लेता। हाँ, वो पानी बहुत ठंडा था ना। सर्दी में ना नहाने का बहाना मुझे पसंद आया। वैसे तो मैं हॉट हूँ। कोई एसी चला दो, गर्मी बढ़ रही है। कुछ लोगों की हॉटनेस के चक्कर में कहीं ये घर ब्लास्ट ना हो जाए। जल रहा है तू मुझसे। क्या करना है आज? आप सभी को उस अपराधी को पकड़ना है जिसने दिन दहाड़े आर्मी की 200 साल पुरानी लालटेन फोड़ डाली और इस गांव की शांति भंग कर डाली। तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, पेट में था। ये शांति कौन है? तेरी भाभी है लुच्चे। ओ, तू घोड़ी चढ़ गया और हमें शादी में बुलाया भी नहीं। पूरे 700 से बराती बुलाए थे, बस इतनी गिनती आती है तुझे? थोड़ी और गिनती सीख लेता तो हम भी आ जाते ना शादी में। मुझे शादी करनी थी, बर्बादी नहीं। तुम जैसे VIP को बुलाता तो दुनिया भर की लड़कियां मेरे टेंट में हमला बोल देती। फिर टेंट जाता फट और मंडप पे लग जाती आग। फिर कटरीना कैफ से भी ज्यादा सुंदर मेरी दुल्हन शांता बाई स्टेज से कूदते फांदते तुमसे शादी कर लेती, फिर तो मैं सिंगल ही मर जाता। तो मर जाना। फिर मैं दुल्हन से शादी कर लेता, जल्दी पंडित बुलाओ। बड़ा भाई मैं हूँ, पहले मैं शादी करूँगा, मंडप पे आग लगा दूंगा। लल्लू से शादी कौन करता? दुल्हन तो मुझे पसंद करती। मेरी शादी गई भाड़ में, मिस्ट्री सॉल्व करो। कातिल तुम में से कोई एक है। ये लो तुम्हारे गुनाहों की फाइल, तुम्हारे सारे कर्म कांड लिखे हुए इसमें। कौन सा गुनाह? मेरी गर्लफ्रेंड्स के लेटर होंगे। ले लो प्रसाद, ले लो। ये लेटर है एग्जाम पेपर, इतने क्वेश्चन। अपन यूंगी बजाता सबकी पुंगी तो अपने से पंगा लेना नहीं, क्योंकि अपन मुंह पे बेइज्जती करता है। क्राइम, डाइवोर्स, भाभी का अफेयर, गर्लफ्रेंड की जासूसी, किसी भी मनु जगह पे फोटो खिंचवानी हो तो अपन से कांटेक्ट करने से पहले 2000 का पिंक नोट अपने जेब में तैयार रखना, क्योंकि फ्री में मैं अपने बाप का भी काम नहीं करता हूँ। हमारे सारे राज बता इस राइटर को। मैं हूँ नंदू नाई, करता हूँ सर के बालों की सफाई। पहले मैं डॉक्टर था और मैंने 10 पेशेंट का ऑपरेशन किया है जो कि सही सलामत भगवान को प्यारे हो गए। यूंगी मेरा बचपन का चड्डी बड्डी वाला यार है। कांग्रेचुलेशन भाई, हम दोस्त हैं। डॉक्टर तो नहीं बन पाया लेकिन मुझे कैंची चलानी आ गई। फिर मैंने सोचा नाई बनूं या दर्जी, पर सिलाई मशीन बहुत महंगी थी तो मैंने नहीं खरीदी और लोगों को टकला करना शुरू कर दिया। मेरा कटोरा कटिंग वर्ल्ड में फेमस है। तूने किसी का कान भी काट दिया था? नहीं तो अपुन है जेके द डॉन गेम की दुनिया का बादशाह। 11 मुल्कों की पुलिस अपुन के पीछे पड़ी हुई है क्योंकि अपुन गेम के नाम पे 2 नंबर का धंधा करता है। पक्का ड्रग्स बेचता होगा तू। नहीं, अपुन पबजी खेलता है, इंडिया में पबजी बैन है ना। 2 नंबर का धंधा, अपुन इस गेम में मर भी सकता है और किसी को भी मार सकता है। मैं तो प्रो प्लेयर हूँ, जीत जाऊंगा। मैं गाँव का वो शरारती बच्चा हूँ जो शक्ल से भोला और अंदर से बम का गोला है। तो फट क्यों नहीं जाता? गांव के बच्चों से वसूली करके लॉलीपॉप खाना मेरा रोज का काम है। ये तो गुंडों वाली हरकतें हैं। सिर्फ गुंडा नहीं, डकैत है। लोगों की रातों की नींद, दिल चैन सब चुराया इसने। पड़ोसियों के घर में झांक कर आंटियों की चुगली और लड़ाई देखने में मुझे बहुत मजा आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन आंटियों के बीच मैंने लड़ाई लगाई थी। मैं दिखता हूँ स्वीट लिटिल स्वामी टाइप का, लेकिन हूँ हरामी टाइप का। अच्छा, तेरी वजह से 4 आंटियां बाल नोच नोच के लड़ रही थी, अब बाहर टकली बैठी हुई है। ज्यादा मत बोल, सर फोड़ दूंगा। मैं हूँ अंग्रेजों के जमाने का सेठ धन्नालाल, जिसके पास इतना पैसा है कि अंबानी
कभी भी मुझसे लोन मांगता है। इस गांव की सारी जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात, लड़की बूढ़े बच्चे सभी पे मेरा कब्जा है। और अब मेरी शातिर नजर जेके की गेम की दुकान पर है, जिसे मैं खरीद के रहूंगा। मैं नहीं बेचूंगा, मैं क्यों बेचूं? लालची आदमी, मैं खरीद के रहूंगा। पापा बन जाओ मेरे, ये टेडी बियर किसका छूट गया, ले जाओ। मैं शादियों में पार्ट टाइम वेटर का काम करता हूँ। जिस भी शादी में जाता हूँ, दो मिनट में लोग मुझे धक्के मार के निकाल देते हैं, क्योंकि दुल्हन मुझसे शादी करने के लिए मंडप छोड़ के भाग जाती है। मैं करूँ दिल की चोरी, इसमें मेरा क्या कसूर? क्या करूँ वो लेडीज, मैं हूँ आदत से मजबूर। कौन सा जादू करता है तू लड़कियों पे? भाई मुझ में टैलेंट है जो तुझ में नहीं है। आज हमें उस कातिल को पकड़ना है जिसने आर्मी की लालटेन फोड़ी है। पक्का इस पागल डॉक्टर ने लालटेन फोड़ी होगी। देखो हसबी कैसे रहा, बिल्कुल रावणों की तरह है। इस डायरी में क्राइम की वारदात लिखनी है। बच्चे की जान लोगे क्या इतना काम कराते हैं? तू बच्चा हाँ, मैं मर जावा। लो पकड़ो अपनी अपनी डायरी, देखो तो क्या लिखा है मेरी डायरी में। जल्दी पढ़, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही, चश्मा तो लगा लूं। ये क्या था? ओह माय गॉड, कुछ नहीं लिखा हुआ। झूठ मत बोल, मुझे शक हो रहा है तुझ पे। ले फिर देख ले, लिखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आरएम की शक्ल तो उल्लू जैसी लग रही है। मेरे क्या दो दांत निकले हुए हैं इस जोकर की तरह? हाँ शक्ल तो मैच हो रही है। ड्राइंग बड़ी खराब है तुम्हारी। ये नाक से धुआं क्यों निकल रहा है? तू बीड़ी पीता है क्या? तू चिंता मत कर, इस उम्र में गलतियां हो जाती है। तू बीड़ी नहीं सिगरेट पिया कर। सेठ धन्नालाल, ये लो तुम्हारे पैसों का बटुआ। पैसे नहीं है इसमें, खुद भर लेना। ले बुड्ढे तेरा डंडा। अब ये क्या है, तुझे क्या मैं बुढ़ा लगता हूँ? ये लो बेबी मोची का लॉलीपॉप। वाह बेटे, मुझे लॉलीपॉप क्यों नहीं दिया? क्योंकि तेरे दांत में कीड़े लग जाएंगे। हैं? ये लो तुम्हारा कैमरा, संभाल के, टूट गया तो तुमसे पैसे लेंगे। ये शीशा रख लो, जंगल में आग लगाने के काम आएगा। जेके बनेगा डॉन, जिसके बाप में है दम, वो अपुन को रोक के दिखाए। मैं रोकूंगा, एक बार हाथ तो दे। अपुन नहीं देगा, तूने सैनिटाइज नहीं किया। क्यों डर गया मुझसे? डरे मेरे दुश्मन तुझसे तो मैं एक चुटकी में लड़ लूं। मुझे इस डोरीमोन पे शक है। तेरा शक गया भाड़ में। तुम गरीब लोगों को दुगना लगान देना पड़ेगा। चुप कर बे सस्ते अंग्रेज की औलाद। बुढ़ा अंग्रेज, ये फॉरेनर की तरह इंग्लिश एक्सेंट मारना बंद कर। हम अमीर हैं, तुम हमारी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? मुंह से बेइज्जती करेंगे और कैसे करेंगे? इस बुढ़े में इतना भी दिमाग नहीं है। बहुत इज्जत और बेइज्जती दे ली एक दूसरे को। अब चलो कातिल को ढूंढना है। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। ये गांव वाले बल्लभ क्यों नहीं खरीद लेते? अभी भी लालटेन जलाते हैं। शायद इन लोगों के पास बिजली नहीं होगी। सब मेरे पीछे पीछे आओ, ध्यान से पीछे गोबर पड़ा हुआ पैर मत रख देना। खुद गोबर पे पैर रख के हमें बोल रहा है। चलो भीड़ नहीं मचानी, कोरोना फैल जाएगा। इतना छोटा घर हमारे शान के लायक? चल बे बुड्ढे, पीछे से एक लात मारूंगा ना, लायक ना लायक सब निकल जाएगा। इतना गंदा घर कहां वाली पाई नहीं रखते क्या? कहीं से बदबू भी आ रही है। ये देख चूहे की डेड बॉडी, इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। ओए ये तो जिंदा है, यूंगी तेरा फ्रेंड चूहा। जेरी यहाँ क्या कर रहा है? गंदे मोजे। हूँ सब इधर देखो, खून कौन से दौरे पड़ गए इसको। ये देखो खून, पक्का इस पागल डॉक्टर ने ही लालटेन का मर्डर किया होगा। लॉलीपॉप से स्कैन करेगा बेवकूफ कहीं का। वो कल एक बिल्ली मुझे पंजा मार गई, उसी का खून है ये। क्या सबूत है कि तुम बेगुनेगार हो? लालटेन तोड़ते हुए भी तो ये चोट लग सकती है। पट्टी खोल के दिखाओ, जख्म गहरे हैं, बिल्ली ने पंजा मारा। मुझे भरोसा नहीं है। तो मैं क्या करूं? अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू ही कातिल है। तू भाड़ में जा, तुझे जो समझना है समझ। हे भगवान, हाय मम्मी, मुझे अंधेरे से डर लगता है। ए तुम सब गरीब लोग, तुम मेरी बात सुनो, मुझे कुछ कहना है। ये जो लाइट बार बार बुझ के आ रही है ना, इसके पीछे पक्का कोई भूत है या भूतनी। जनरेटर लगा हुआ है इसीलिए लाइट आ गई। बुड्ढे तेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया, ठीक करा ले। अच्छा ऐसा क्या? कैसा अमीर है ये, इसको तो जनरेटर का भी नहीं पता। ओए ये वैक्यूम क्लीनर यहाँ क्या कर रहा है? हेयर ड्रायर कहते हैं इसे, पढ़े लिखे जाहिल। नंदू नाई, मुझे अभी भी तुझी पे शक है। देख तू और तेरा शक गया भाड़ में, मुझे तंग किया तो तुझे टकला कर दूंगा। और ये लॉलीपॉप दिखाना बंद कर, बन्ना खा जाऊंगा, फिर रोता रहियो बच्चों की तरह। ओहो क्या हो गया भाई, लड़ाई क्यों कर रहे हो? इसकी लॉलीपॉप तो मुझे भी खानी है। तो ले खा ले। नहीं नहीं, तेरी झूठी लॉलीपॉप खा के दांत में कीड़े लग गए तो उन कीड़ों को पालेगा कौन? नंदू नाई
हो गया। आप मुझे अपने बारे में डिटेल में बताएंगे कि आप क्या करते हो, क्या खाते पीते हो, कहाँ जाते हो। रिश्ता करवाएगा क्या तू इसका, जो इतनी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। कल 10 बजे मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था लेकिन वो आई नहीं। तुम सच बोल रहे हो या झूठ? 99% सच बोल रहा हूँ तेरी कसम। तेरी गर्लफ्रेंड तुझसे मिलने नहीं आई तो वो कहाँ गई? हाँ? कहीं उसका किसी और के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? ये नहीं हो सकता है। इस थाली के डंडे किसने लगा दिए? ओ तेरी, इस थाली के पीछे तो लेटर है। सब जल्दी इधर आओ, ये लेटर किसका है बे नंदू नाई? अरे मेरे चाहने वालों की कमी नहीं है, किसी फैन का होगा, पढ़ मत, प्राइवेट है। लिखा है मैं तुम्हारे प्यार को मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, फाइंड योर एक्स। अरे मेरे दिल का टुकड़ा थी मेरी एक्स, छोड़ के चली गई। यहाँ फाइंड एक्स क्यों लिखा है फिर? पता नहीं, शायद मिलना चाहती हो मुझसे। पिछली बार पिज्जा खा खा के मेरा बैंक बैलेंस खाली कर दिया, इस बार कुछ मांगा तो थप्पड़ मार दूंगा। ए, मेरी एक्स का लव लेटर लेके कौन भाग रहा है? वापस कर दो मुझे, वरना तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, सबको गंजा कर दूंगा। सबूत के तौर पे लेके जा रहे हैं, ज्यादा चिल्ला मत, तेरी एक्स भी खूनी हो सकती है। तू होता कौन है मेरी गर्लफ्रेंड को खूनी बोलने वाला? तू खूनी, मुझे तो पहले से ही शक था तुझ पे। वरना एक नीले बाल वाला डोरेमोन की शक्ल का आदमी इतना हैंडसम और स्मार्ट कैसे हो सकता है? हो सकता है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड इसकी गर्लफ्रेंड हो। बंदा चलाक है। नहीं, ये लड़की का जूता क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ? ये मेरी पर्सनल नर्स के जूते हैं। बाप बेटे, घर वाले भी और बाहर वाले भी, बड़ा हरामी है। ये बीड़ी का बंडल इस बिल में किसने छुपा के रखा? अरे कितना गंदा है ये। लिखा है मुझे ढूंढने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। फालतू की शायरियाँ लिख रखी है, चलो ढूंढते इस बर्बाद आदमी को। कितना कमाते हो? तेरी हाइट से तो ज्यादा ही कमाता हूँ मैं, 6 फुट का हूँ।